हेलो हेलो हेलो। आईपीएल सीजन 13 का 40वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में खेला जा रहा है। ये मुकाबला दुबई के स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां पर हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। उनका फैसला सही भी साबित हो रहा था, जब शुरुआत में उन्होंने विकेटें झटक दी। चौथे ओवर में रॉबिन उथप्पा को आउट किया और उसके बाद 12वें ओवर में संजू सैमसन को आउट हुआ। बड़ी बात यह है कि संजू सैमसन 26 गेंदों में 36 रन बनाकर आउट हुए और अपनी खराब फॉर्म से थोड़ा सा उभर कर सामने आए। बेन स्टोक्स 32 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हुए, 13 गेंदों में 19 रन रॉबिन उथप्पा ने बनाए। स्टीव स्मिथ 15 गेंदों में 19 रन बनाकर आउट हुए, रियान पराग 12 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हुए। और बड़ी बात यह रही कि आज इस टीम ने 145 प्लस का जो स्कोर इन्हें चाहिए था, जो हमने पहले भी प्रेडिक्ट किया था, उस स्कोर को पार करने में कामयाब रहे हैं। पिच स्लो हुई है, लगातार स्लो हो रही है, लेकिन हैदराबाद के बल्लेबाजों को आप कम नहीं आ सकते। नीचे जेसन होटर, ऊपर वार्नर, बेस्टो और मनीष पांडे आपको बख्शेंगे नहीं। आज राजस्थान के गेंदबाजों को जैसी चेन्नई के खिलाफ गेंदबाजी की थी, वैसी ही गेंदबाजी करनी होगी। 155 रनों का लक्ष्य यहां पर दिया है राजस्थान की टीम ने, और जबरदस्त लक्ष्य दिया है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इस लक्ष्य की बदौलत शायद आज राजस्थान अपने आप को टूर्नामेंट में जिंदा कर दे, क्योंकि अगर हैदराबाद की टीम ये लक्ष्य चीज नहीं कर पाई तो वो भी ऑलमोस्ट इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, जैसा चेन्नई का हाल है। वहीं दूसरी तरफ आज जोफ्रा आर्चर ने भी अंत में शानदार ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, और अपनी बल्लेबाजी से जोफ्रा आर्चर ने भी ये दिखा दिया कि क्यों उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक फिनिशर्स में एक माना जाता है। एएनपी न्यूज रूम की रिपोर्ट।